तब छोटे थे, अब यकीन करें। मैंने सिर्फ अपने नौकरी करके बच्चों को जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है खसूसी अदालत के बाहर, जहाँ पे ईडन मुतासरीन अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं 13 साल से अपने बच्चों के हक के लिए। अपनी जमा पूंजी लुटाने के बाद आज भी वहाँ सड़क पे खड़े हैं। धूप और गर्मी की शिद्दत इतनी है कि यहाँ पे एक मिनट गुजारना बड़ा मुश्किल है, और ये घंटों से यहाँ अपने हक के लिए एहतजाज कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं, क्या कहते हैं, इनके एहतजाज जो है आज का एहतजाज कहाँ तक पहुँचा है और ये क्यों एहतजाज कर रहे हैं। इनकी बात आप लोग खुद सुने और फैसला कीजिएगा कि क्या इन लोगों को इनका हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। जी सलाम अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मैम आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों खड़े हैं इतनी धूप के इतनी धूप में? तो कोई मजदूर भी मजदूरी करने से डरता है। आप इतनी फैमिली हैं, इतनी बहनें बेटियां यहाँ पे खड़ी हैं, क्यों खड़ी हैं आप लोग? हम सब भी मजदूर ही हैं, हम कौन सा कोई पैसे वाले हैं। अगर पैसे वाले होते तो आज यहाँ धक्के खाते, हम भी आज अंदर वहाँ उसके साथ बैठे होते, क्योंकि ये निज़ाम, ये मुल्क, ये अदारे, ये सब पैसे वालों के लिए हैं। हम सब गरीब लोग हैं, कैंसर पेशेंट हैं यहाँ पर लोग, मेरे बेवा हैं, पेंशनर हैं, बूढ़े लोग हैं, तकलीफदार, जिन्होंने अपने गोल्ड बेचे, औरतों ने अपने गोल्ड बेचे, सोचा लाहौर में अपना घर बन जाएगा, अपनी कोई छत बन जाएगी, अपने गोल्ड सेल किए, किसी ने अपने बच्चों के मुंह से नवाले छीन के ला के इनके मुंह में डाले कि हमारा अपना एक प्लॉट बन जाएगा। आज जब वो प्लॉट हमारा करोड़ों में पहुंच चुका है, आज उस प्लॉट की वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, और इन लोगों ने अंदर बैठ के आपस में सब इन्होंने प्लानिंगें करके अपनी प्रॉपर्टियों को क्लियर करवाने के लिए इन्होंने आवाम के ऊपर ये बड़ा डाका डाला है कि उनको उन्हीं की रकम 3 साल की किस्तों में अदा करने का अंदर फैसला हो गया बगैर आवाम को भी नहीं। हमें तो जज साहब के आगे बोलने भी नहीं दिया जाता। आखिरी मुलाकात हम चेयरमैन नैब से करने गए थे, रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग जो उन लोगों ने आप उनको 16 अरब की एप्लीकेशन दी है उसको मत मानिएगा, आपने जो 25 अरब का रेफरेंस किया हुआ है उसी को अगर लेकर चले तो चले, हम आवाम वो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम हमारे प्लाट भूल जाते हैं, हम अपने वो 25 अरब ही आप हमें दिलवा दें कि चलो कुछ हम लोग कर सकें। लेकिन क्या किया, जाते जाते चेयरमैन नैब ने हमसे वादा किया, हम सब के पास रिकॉर्ड मौजूद है उनके, हर चीज़ 15 दिन पहले हमारे साथ वादा किया उन्होंने, यहाँ पे उन्होंने एप्लीकेशन भी मूव की कि फैक्ट्रीज इसके ऊपर एग्री नहीं है, इसलिए हम इस चीज़ को कैंसिल करते हैं। और उसके बाद रातों रात क्या हुआ? वो तो बड़े ईमानदार जी जी, मैं यही क्वेश्चन कर रही हूँ ना आपसे, मीडिया की तौसत से उनसे कर रही हूँ, जस्टिस जवेद इकबाल साहब से मेरा आज ये क्वेश्चन है। आपने हमें टेबल पर बैठ के ये कहा था कि मुतासरीन को तकलीफ नहीं दी जाएगी, तो आज वो कहाँ है? क्यों रात के अंधेरे में उन्होंने एक ऐसा फैसला फैक्ट्रीज के ऊपर थोप दिया कि आज सारे के सारे फैक्ट्रीज यहाँ पे धक्के खा रहे, और वो आराम से अपना क्या हुआ उसके अंदर, अंदर खाते में हुआ क्या जो यहाँ पे यही तो हमारा क्वेश्चन है। हम सब मुतासरीन, और अगर कोई ये सोचता है अदारा या कोई भी लोग हम यहाँ पे आपके फैसले लेके चुप कर देंगे, तो नहीं, हम आवाम जो बाकी के रह गए, आधे तो मर गए, आधे बीमार हो चुके हैं, लेकिन जो बाकी रह गए हैं वो यहाँ भी धक्के खाएंगे, वो नैब के बाहर भी रहेंगे, हम बहुत जल्द नैब के बाहर भी अपने धरने गाड़ेंगे। हमें यहाँ तो वो जैसे वो होता है ना, इस मुल्क का रिवाज है कि आप शेलिंग कर दें, एक्सपायर शेलिंग करके भगा दें, डिस्पर्स कर दें, करें हमारे साथ, हमें भी मारें, हमारी भी कब्रें बनाएं, ताकि हमें ये सारे यहाँ पर तारीख में लिखा जाए कि पाकिस्तान क्यों है। पाकिस्तान में सिर्फ अमीरों के लिए यहाँ पर काम किया जाता है, जो यहाँ के इंसाफ है वो अमीरों की जूतियां बने हुए हैं। ये हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में, अदालतें तो खुलती हैं। आप वो रात के 12 छोड़े, हमारे साथ क्या किया गया, हमारे साथ वादा किया गया, यहाँ पे पिछली हेयरिंग में वो एप्लीकेशन मूव की गई हमारे तरफ से, नैब ने वो मूव किया है कि हमें नहीं मंजूर है, अब ये सडनली क्या हुआ? क्या किसी के पास जवाब है? क्या कोई अफेक्टिव को ये जवाब दे सकता है कि कहाँ गया वो सारा कुछ? आप लोगों का हतमी जो है डिमांड जो है वो क्या है? 16 अरब में मुतमईन नहीं है वहाँ पे? तो हम बिल्कुल भी खुश नहीं है, हम तो 25 अरब में खुश नहीं थे, हमारे साथ वादे किए गए थे जो सब्ज बाग दिखाए गए थे प्लॉटों के, हमारी डिमांड तो प्लॉट्स हैं।
अगर आप लोग वो प्लॉट्स नहीं हमें दिलवा सकते तो एटलीस्ट हमें इतना तो दिलवाएं कि हमारे फैक्ट्रीज कुछ तो कर सके, वो अपना ये आज जो 16 अरब रकम और वो भी 3 साल में, इसमें कितने फैक्ट्रीज बाकी रह जाएंगे और कौन भरोसा, क्या भरोसा कि ये 16 अरब भी ये लोग पे करेंगे या नहीं करेंगे 3 साल में। और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने की, अमजद के टाइम पे, डॉक्टर अमजद के टाइम पे इनका सारा खानदान उस रेफरेंस के अंदर दाखिल था, फिर सडनली रातों रात ये भी चीज़ एक सामने आई जो कि आपको सबको पता होगा कि कौन पीछे इनके बंदे हैं, चीफ जस्टिस तक कहाँ के इनके हाथ हैं, किस तरह से उनके बेटों को बीच में से निकाला गया, जिनके प्रूफ यहाँ पे मौजूद हैं कि वो सारे इसके अंदर मौजूद थे, वो सब इस खानदान, इनका पूरा खानदान इस कंपनी के अंदर मौजूद था। अब वो अकेली हो गई, अमजद की तरह ये भी चली जाएगी, या जो पाकिस्तान में होता है कल के इनके बच्चे इनको किसी साइड पर लगा देते हैं तो हम फैक्ट्रीज कहाँ जाएंगे, केस तो ख़त्म हो गया। तो ये जो अंदर हो रहा है ना, ये हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा, ये जो इनकी फ्रीज प्रॉपर्टीज है ना, उनको खत्म करके उनको उनके नामों पे डिवाइड करने के लिए वो चीज हो रही है। वहाँ पे तो इनका काम भी सुनने में आया कि काम भी वो नैब ने किया ना, जो नैब हमें धलासे देता था उस नैब ने उनको इजाजत दी ना, क्यों दी, कैसे काम शुरू हुआ, वो मुजरिम नहीं है, हम ये खड़े, ये सारे जो धक्के खा रहे हैं ना गर्मी में, शदीद गर्मी में, रमजान के रोजों में भी सबके सब यहाँ होते थे, तो हम सब धक्के खा रहे हैं, मुजरिम हम लोग हैं, हम लोगों ने इन पे ट्रस्ट किया, हम लोगों ने इनको अपनी जमा पूंजी जमा कराई, अपने बच्चों को हर चीज करके, आज जेवर कहाँ पे है, आज प्रॉपर्टी की अमाउंट कहाँ पे है, आज लोग कहाँ धक्के खा रहे हैं और इनके महल बने हुए हैं, आप जाके इनका उसको भी अगर हिसाब लगाएं तो इस वक्त 75 बिलियन या उससे ज्यादा का मतलब है 100 अरब का तकरीबन बनता है। और जो ये एसेट्स खरीदे गए थे ये हमारे पैसे के एसेट्स हैं, ये हमारे एसेट्स हैं, और हमारा मौका ये था जो कि मतलब हमारा मौका ये है, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ, ये जो एसेट्स है ये तमाम फैक्ट्री के एसेट्स है, ये फैक्ट्रीज है, ये उनके पास रसीदे हैं, आप सारा निज़ाम देख लें, सारा सिस्टम देख लें, वो जो एसेट्स हैं उनको सेल आउट किया जाए, ऑक्शन किया जाए, और वो अफेक्टिव में हमें मिले रुपया, अफेक्टिव को मिले रुपया, अफेक्टिव को मिले तौर पे, वो उनकी किस्मत है। और इनको करार, वाकई मैं वजीर आजम पाकिस्तान, जनाब सिपा सलार बाजवा साहब सदर पाकिस्तान और तमाम अदारों के जो रहनुमा है उनसे अपील करता हूँ मोहतबाना अपील हमारी इस्तदा है, इनको करार वाकई सजा भी दी जाए ताकि कोई दूसरा अमजद या कोई लैंड माफिया इन गरीबों, ये शक्लें देखें आपको लो मट्योकर लोग नजर आएंगे, जो बिल्कुल लो मट्योकर लोग हैं, इनके साथ ये जुल्म का सिलसिला बंद करवा दें, ये आपने ये कब तक ये चलेगा, इनको करार वाकई सजा मिलेगी तो ये सिस्टम बंद होगा और हमें हमारा प्रॉपर हक मिले, हम ये खाम ख्यालियां निकाल दें कि हम अपने हक के खातर किसी तरीके से बैकफुट हो जाएंगे। कुछ लोग होंगे जो हमारी आपके साथ मिले हुए हैं, वो हमारी काली भेड़ों की तरह हमारे में शामिल है, लेकिन ये खाम ख्यालियां निकाल दें। आप लोगों के लिए मैं खास तौर पे इस आपके प्लेटफॉर्म से अंजम ममजद और उसकी फैमिली को मैं ये वार्न कर रहा हूँ कि तुम्हारे लिए सिर्फ 11 फैक्ट्री बहुत है, वो 11 फैक्ट्री अपनी जान दे देंगे, ये 11,000 से 11 फैक्ट्री बहुत है, और ये जान दे कि तुम अगर हमारा अगर आपने तीला नहीं छोड़ना, हमें तुम्हारा टक नहीं छोड़ना, ये मैं सीधी सीधी आपको बात बता रहा हूँ, ये बात शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको ऑन कर दी है, और ये ना समझे कि खाफ कर दिया तुम, ये जो मतलब अयाशियां कर रहे हो आप लोग कनाडा जाके और ये वो जाके, ये मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये अंजम फैमिली को मैं वॉर्न कर रहा हूँ कि अपने आप को सरेंडर कर लो, और अदरवाइज हम अपने हक की खातिर किसी तरीके से भी बैक हम लोग यहाँ पर पिछले 13 साल से ईडन ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, उनसे अपने हक के लिए मांग रहे हैं, उनसे अपने हक के लिए प्लॉट्स मांग रहे हैं, और वो पैसे जो हमने प्लॉट लेने के लिए अपने घर की छत के लिए लिए थे, आज उसके लिए हमें मजबूर किया जा रहा है कि सिर्फ उतने ही पैसे जो 13 साल पहले हमने उनको दिए थे, जब एक 5 मरले का प्लॉट 12 से 13-14 लाख में आ जाता था, हमने लाहौर से बाहर गज्जूमते की लोकेशन के ऊपर प्लॉट बुक करवाया था, और यकीन कीजिए उस ज़माने में गोल्ड की प्राइस 9,000 रुपया एक तोला थी, और आज क्या उसकी प्राइस है, आज डॉलर का क्या रेट है। गवर्नमेंट, ये इदारे अवाम को इतना पीस रहे हैं कि अवाम मजबूर हो के रोड पे आने के लिए मजबूर, हम अपने हक के लिए, वो इदारा जो कौमी एहतसाब है, एहतसाब ब्यूरो है नैब का इदारा, वो हमारे साथ आम आवाम के साथ ये करके गए हैं, चेयरमैन वादा करने के बावजूद सिर्फ 15 दिन पहले उन्होंने ये वादा किया है कि जो 25 अरब रुपए का रेफरेंस दायर किया गया था
ईडन ग्रुप के खिलाफ, वो हम उसको हम पाए तकमील तक पहुंचाएंगे और जो 3 साल के लिए प्ली बार्गेनिंग मंजूर की जा रही है हम उसको 1 साल पे लेके आएंगे। 25 अरब रुपए जो 3 साल पहले थे वो आज 75 से अबव हो चुके हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ डे बाई डे बढ़ रही हैं और ये फिर भी हमें हमारे प्लॉट्स हमारे पैसे देने को तैयार नहीं है। तो ये नैब ने एक बहुत नाइंसाफ़ी की है एक आम आदमी के साथ। आप यकीन करें 13 साल पहले एक 12,000 रुपये की किस्त निकालनी बहुत मुश्किल थी। हम लोगों ने अपनी सेविंग्स, अपने गोल्ड, अपनी ग्रेजुटीज़ कहाँ कहाँ से पैसे निकाल के 12,000 रुपये किस्तों में दिए इनको 3-3.5 सालों में। और फिर इन्होंने फर्स्ट ईयर में ही हमसे डेवलपमेंट चार्जेस भी ले लिए। लेकिन ये ऐसे बदनीयत लोग हैं, इस कदर बदनीयत और बेईमान लोग हैं कि इनका पेट नहीं भर रहा। इन्होंने आम आवाम को बहुत तंग किया है। मैं आपके तवस्सुत से पूरी पाकिस्तानी कौम के उन मर्दों को, उन बेटों को, उन भाइयों को एक पैगाम दूँगी। मैं ये पैगाम दूंगी कि जो रिश्वत ले रहे हैं अपने बाल बच्चों के लिए, अपनी बीवियों के लिए और हराम कमा के उनको अच्छी लाइफ दे रहे हैं, वो इब्रत पकड़े इस औरत से, यंजुम अमजद से, इसके मियाँ के मुर्दे का क्या हाल हुआ। लेकिन ये उस पैसे के लिए इसने ये नहीं सोचा कि मेरे खावन का कब्र में क्या हाल हो रहा है, मैं लोगों का कर्ज वापस करूँ, उनको हक दूँ, शायद उस पर रहम हो। तमाम रैशी मर्द सोचें उनकी क्या हालत होने वाली है, उनको ऐसे हराम के माल पे पाली हुई बीवियां और बच्चे, उनके लिए कोई जायपना नहीं होंगे। क्यामत का रोज़ होगा और हम सबके हाथ होंगे उनके गिरेबानों पे। ये औरत भी हमारी देनदार है, आज ये तमाम प्रॉपर्टी की अकेली मालिक बन गई है, इसने अपने बेटों को इसमें से निकाल दिया है। ये सोच ले ये कभी फले फूलेंगे नहीं, ये कनाडा चले जाएं, ये दुनिया के किसी मुल्क में चले जाएं, हमारी ये बददुआएं इनका पीछा करेंगी, इनकी नस्लें बर्बाद होंगी। और आप देखेंगे, आप में से लोग, आपके बच्चे दुनिया में फैलेंगे, आप देखेंगे जिन जिन लोगों ने इन मजलूम गरीब तबकों को सताया है 13 साल से, आप उनका हाल देखेंगे। पाकिस्तानी अवाम इस कदर तंग है इन अवाम के, इन हुकूमती इदारों से, ये लोग आम लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे। तमाम लोग ऊपर जिस जगह के ऊपर भी पहुंचे हुए हैं, ये सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अगर आप लोग आवाम को साथ नहीं देंगे तो एक वक्त आए सबके गिरेबान होंगे और आम आवाम का हाथ होगा। जी क्या कहेंगे, लास्ट मुलाकात में आप लोगों को कहा गया था कि जो आप लोगों का रेफरेंस है वही 25 अरब का होगा, 16 अरब के हम जो है उस पर प्ली बार्गेनिंग नहीं करेंगे, और उसको आपकी एप्लीकेशन को आगे मूव भी किया गया था। 1 हफ्ते या 15 दिन में ऐसा क्या हो गया कि पूरी काया पलट गई? जी चेयरमैन, नैब ने यही कहा था कि आप लोगों के खिलाफ इस तरह का कुछ भी इकदाम नहीं होगा जो फैक्ट्रीज के हक में ना हो, और 16 अरब की प्ली बार्गेन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो उसके बावजूद 16 अरब की प्ली बार्गेन जो है वो एक्सेप्ट कर ली गई है और 3 साल के लिए एक्सेप्ट की गई है, और 6 महीने के बाद ये पहली किस्त देंगे और बाकी ये वही पैसे जो लोगों ने दिए थे 15 साल पहले वही लोगों को वापस कर रहे हैं। जबकि चेयरमैन नैब ने एक तो मुतासरीन से वादा भी किया था, और मैं तो यही कहूंगी कि मौजूदा अदलिया को भी यही चाहिए था और चेयरमैन नैब को भी यही चाहिए था कि अगर ये लोग प्ली बार्गेन की अमाउंट 16 अरब से ऊपर करने पे तैयार नहीं थे ना, तो इनकी प्रॉपर्टी को जो है वो ऑक्शन कर दिया जाता, फिर जितनी भी रकम मिलती वो मुतासरीन को कबूल होती। लेकिन इन्होंने प्ली बार्गेन इस तरह से की है कि एक तो 16 अरब मुतासरीन को देंगे, बाकी सारी इनकी प्रॉपर्टी छूट जाएगी और इनके बेटों को भी बरी जिम्मा करार दे दिया है। यानी मुतासरीन सिर्फ रुल गए हैं, अगर यही सलूक करना था तो फिर 4 साल सड़कों पर ख्वार करने की क्या ज़रूरत थी। अच्छा, समय कहते हैं कि बड़े ईमानदार, बड़े निडर, बड़े अच्छे जो ऑफिसर थे, तो क्या उनकी ईमानदारी पे कुछ शक कर रही है अब आप लोगों की टीम? जाहिर है अभी देखने में तो यही नज़र आ रहा है कि 16 अरब तो लोगों के, 13 अरब देने थे, 16 अरब तो लोगों का कुछ भी नहीं मिलेगा, वो भी 3 साल में। ये एक चेक देते हैं बाद में कहाँ जाते हैं, उस अमाउंट से आज कहाँ पे क्या प्लॉट आएगा। अगर ये इतने ईमानदार थे तो कि उनकी सारी प्रॉपर्टी ऑक्शन कर दें, क्योंकि ईडन की मालिका तो यही कहती ना कि हमारे पास पैसे हैं ही नहीं, 16 अरब से ज़्यादा है ही नहीं, तो ठीक है उनको कहें जितनी प्रॉपर्टी है वो सारी दे दो अपनी, वो सारी सरेंडर कर दो। एग्जैक्टली, वो बहुत ज़्यादा, वो 100 अरब से ज़्यादा की प्रॉपर्टी है, 100 अरब से ज्यादा की प्रॉपर्टी है। ये तो मिली भगत लग रही है, ये मिली भगत है, ये मिली भगत है जिससे मुतासरीन को नुकसान दिया जा रहा है। बिल्कुल, इन्होंने इसीलिए उनके बेटों को इदारों ने बरी जिम्मा करार दिया ताकि वो अपना कारोबार दोबारा से शुरू कर सकें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाहौर सिटी न्यूज एंड प्रेस द बेल आइकॉन, शहर की सब खबरों के साथ लाहौर सिटी न्यूज।